हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी एक्सेल सीट की डेट को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है जिसके लिए मुझे मेरी एक वीडियो पर कमेंट आया था। आई डोंट नो फ्रेंड्स इसकी जरूरत कहां पड़ती है, बट आप लोगों ने इसकी डिमांड की थी, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप सभी देख रहे हैं ComTutor। दोस्तों, कुछ लोग टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके डेट को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट उससे ये पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि डेट को वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेल में इंटरनल या इनबिल्ड कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट ये VBA से पॉसिबल है। और VBA के लिए हमें चाहिए एक कोडिंग वाला UDF जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये सेम फाइल आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पर क्लिक करने से। तो चलिए देखते हैं कैसे ये UDF अप्लाई करना है एक्सेल सीट में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम अपनी एक्सेल सीट में हैं और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ डेट एंटर करके रखी है ताकि आपका और मेरा टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पर देखिए, एक्सेल में इनबिल्ड या इंटरनल कोई डेट का फॉर्मूला नहीं होता है जो डेट को वर्ड में कन्वर्ट कर सके। तो अब हम एक्सटर्नल UDF से फॉर्मूला बनाएंगे और उसके लिए हमें चाहिए ये डेट टू वर्ड टेक्स्ट वाली फाइल, जिसमें मैंने फॉर्मूला की सारी कोडिंग ऑलरेडी एंटर करके रखी है। और इस फाइल को पाने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे टाइटल के नीचे जाना है और वहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, और इस डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ देखिए सो मोर पर क्लिक करिएगा, और उसके बाद आपको कुछ लिंक मिलेंगे इस तरह से। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये सेम फाइल आपके सिस्टम में मिल जाएगी। और अगर आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के टाइटल पर क्लिक कीजिए तो सेम डिस्क्रिप्शन आपके पास भी टाइटल के नीचे आ जाएगी। और ये फाइल मिलने के बाद इस फाइल को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको करना है Ctrl+A यानी सारे को सेलेक्ट करना है, और फिर Ctrl+C इस सब को कॉपी करने के लिए, और फिर जाना है आपको अपनी एक्सेल सीट में और यहाँ पे दबाना है Alt+F11। Alt+F11 जैसी दबाएंगे आपके सामने विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यानी VBA वाली स्क्रीन आ जाएगी, और यहाँ पर आपको जाना है इंसर्ट में और उसके बाद मॉड्यूल में। तो देखिए यहाँ पर ये एक ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको वो सारा टेक्स्ट जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है Ctrl+V से। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ ऊपर देख पाएंगे कि फॉर्मूले का नाम आ चुका है जो है डेट टू वर्ड्स। नाम आने के बाद आपको सिंपली फिर ये फाइल सेव करनी है। सेव करने के लिए आपको जाना है फाइल वाले ऑप्शन में और यहाँ से सेव वर्कबुक चूज कर लेना है। सेव चूज करेंगे उसके बाद आपसे लोकेशन पूछी जाएगी। लोकेशन आपको कुछ ऐसी देनी है जहाँ से फाइल डिलीट ना हो। लोकेशन दे दीजिए, मैं डेस्कटॉप की डाल देता हूँ, और इस फाइल का नाम डेट टू वर्ड। अभी एक्चुअली इस फाइल में मैक्रो है तो ये फाइल सिंपल फॉर्मेट में सेव नहीं होगी, तो हमें यहाँ से चुनना पड़ेगा मैक्रो इनेबल वर्कबुक। इसको चुन लीजिए और सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पर इस सीट में हमने वो फॉर्मूला सेव कर दिया है। तो हम देखते हैं वो फॉर्मूला आया है नहीं। हम करते हैं यहाँ पे इक्वल टू डेट। ये देखिए सेकंड नंबर पे फॉर्मूला आ चुका है डेट टू वर्ड। इसको चूज कर लीजिए, और अब उस सेल की वैल्यू जहाँ पर डेट है यहाँ से मैं दे देता हूँ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए मेरे पास डेट कन्वर्ट होके आ चुकी है, और इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए देखिए कुछ इस तरह मेरे पास सारी डेट वर्ड में कन्वर्ट होके आ चुकी हैं। इस फॉर्मूले का फायदा एक और है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डेट उल्टी लिखी है, यानी कि इसमें मंथ पहले लिखा है और डेट बाद में लिखी है, फिर भी इसने उसको वर्ड में एग्जैक्ट सही तरीके से कन्वर्ट किया है। यहाँ पर देखिए मैंने जुलाई पहले लिखा है यानी 7th, और 28 यानी डेट को बाद में लिखा है, और उसको भी इसने सही से कन्वर्ट किया है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। आपको ध्यान रखना है कि डेट में आपको डॉट नहीं देना है, आपको डैश या फिर स्लैश ही देना है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। आपके लिए मैं एक डेट और एंटर करके दिखा देता हूँ 20/5/1997। इस फॉर्मूले को Ctrl+D कर लेता हूँ तो देखिए ये भी मेरे पास चेंज हो गई है। तो देखा ये फॉर्मूला कुछ ऐसे काम करता है, बट ये फॉर्मूला ओनली इस वर्कबुक में ही काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आपकी सारी एक्सेल फाइल में काम करे, तो उसके लिए मैंने एक सोलो वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के UDF लिंक के नीचे मिलेगा। तो वहां से उस वीडियो को जरूर देख ले, और
सारी वर्कबुक के लिए फॉर्मूला सेव कर ले। तो अभी तक के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। दोस्तों अब आप भी उस UDF की हेल्प से एक्सेल की डेट को वर्ड में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपनी एक्सेल की क्वेरी को नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अब अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है इस चैनल पर और इसी तरह के इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियोस पाना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे चैनल के लोगो वाले सर्कल पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और टॉप पर दी हुई दोनों वीडियोस भी जरूर देखें फ्रेंड्स, ये काफी हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लीज टेक केयर, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।